फायरबोल्ट राइस। ये मैंने बाय की है 2000 की और इसको यूज़ करते हुए मुझे लगभग 15 डेज हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में आपको इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको ये बाय करनी चाहिए या फिर नहीं, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, क्या क्या फीचर इसके अच्छे से वर्क करते हैं और क्या क्या फीचर अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। तो आपको सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आपको इसको बाय करनी चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्ट वॉच के बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में। स्मार्ट वॉच में मेटल का यूज़ किया गया है और बैक में आपको प्लास्टिक की मैट फिनिश दी गई है। जो इसके स्ट्रैप्स हैं वो 22mm के रिमूवेबल स्ट्रैप्स हैं और जो स्ट्रैप्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत ही मुलायम से और आपको पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। बस ये है कि ये थोड़े से डस्ट को कैच करते हैं। अगर जो हम बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की, तो राइट हैंड साइड पर आपको दो बटन दिए हुए हैं, सेंटर में इनके बीच में माइक दिया हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको स्पीकर वेंट मिलता है। स्मार्ट वॉच के दोनों ही बटन वर्किंग है, नीचे वाले बटन को प्रेस करके आप डायरेक्ट एक्सरसाइज मोड में पहुंच जाते हैं और ऊपर वाला बटन आपका बैक और ऑन ऑफ के लिए यूज़ किया जाता है। और जो क्राउन है ये एकदम वर्किंग है। 2000 के प्राइस के हिसाब से इसकी जो बिल्ड एंड डिज़ाइन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। अगर जो हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है, आपको चारों तरफ से सेम बेजल मिलते हैं और बेजल भी काफ़ी कम है, तो आपको ये एज टू एज डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की क्लियरिटी के बारे में, तो आपको काफ़ी अच्छी क्लियरिटी मिल जाती है। आप एमोलेड से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्लियरिटी आप यहाँ पर चेक खुद से ही कर सकते हैं। अगर जो हम ब्राइटनेस की बात करें, तो मैंने सनलाइट में भी काफ़ी टाइम यूज़ किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। वॉच की यूआई की बात करें, तो वॉच की यूआई एकदम परफेक्ट अच्छे से वर्क कर रही है, मुझे कोई भी लैग इशू नहीं हुआ है और ना ही कोई डिले फेस हुआ है। आप जितनी बार टच करोगे उतनी बार ये बिल्कुल स्मूथली और अच्छे से वर्क करती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। और इस स्मार्ट वॉच में आपको 8 मेनू व्यू स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि सभी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। इसमें आपको AOD का फीचर नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको रिस्ट टू रेस का फीचर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ट्विस्ट करने पर भी वर्क करता है और हाथ ऊपर करने पर भी वर्क करता है। लेकिन इसमें आपको हल्का सा डिले देखने के लिए मिलता है, आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से हल्का सा डिले देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। और अगर जो आप 10 बार ट्विस्ट करोगे तो लगभग 8 टाइम ये अच्छे से स्क्रीन ऑन हो जाती है इसकी। तो इसमें भी कोई मुझे खास प्रॉब्लम फेस हुई नहीं है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा, अगर जो ये नॉर्मली इजीली वर्क नहीं करता है। तो स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपको द फिट नाम से एप्लीकेशन होती है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जो एप्लीकेशन का ओवरव्यू है बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल सा है, एप्लीकेशन को किस तरीके से स्मार्ट वॉच के साथ सेटअप करना है, कैसे करना है और क्या क्या इसमें ऑप्शन मिलते हैं, वो सारे मैंने अलग से फुल सेटअप गाइड वीडियो बनाई हुई है, उसका कार्ड आपको ऊपर मिल जाएगा, तो आप जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स की, तो ये हवा में तो कोई सा भी सेंसर मतलब वर्क नहीं करता है, आप जब भी चेक करोगे तो वॉच वेयर प्रॉपर्ली का ऑप्शन आ जाता है। और अगर जो सरफेस पर आप ट्राई करने की कोशिश करते हो, तो किसी किसी सरफेस पे तो ये मना कर देता है, लेकिन किसी किसी सरफेस पे ये रीडिंग दिखा देता है। जितने भी हेल्थ ट्रैकिंग फीचर होते हैं, कभी भी आपको स्मार्ट वॉच पर रिलेवल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको स्ट्रेस और क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मुझे इनमें बिल्कुल भी एक्यूरेट रीडिंग मिली नहीं है। लेकिन जो आपका हार्ट रेट है वो ठीक वर्क कर सकता है, आप उसको 100% नहीं लेकिन 90% एक्यूरेट मान सकते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज मोड वगैरह हैं, जो वॉकिंग और जो रनिंग है, वो ठीक ठाक वर्क करती है, क्योंकि मैंने इससे चल के देखा था। तो अगर जो मैं 100 स्टेप चलाता तो इसने 100 स्टेप ही काउंट किए थे, और अगर जो मैं रुक जाता हूँ तो उस टाइम पर स्टेप्स काउंट नहीं करती है। तो आपको वॉकिंग और रनिंग वाली जो ट्रैकिंग है वो आपको अच्छी मिल जाएगी, उसमें भी आप इसको 95% एक्यूरेट मान सकते हैं, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। और अगर जो हम बात करते हैं स्लीप ट्रैकिंग की, तो स्लीप ट्रैकिंग में मैं आपको बता दूं कि ये मुझे इसने बिल्कुल भी एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि मैं किसी भी टाइम सोता हूँ ये लगभग 10 बजे के आसपास अपने आप ही स्टार्ट कर देती है काउंटिंग करनी, स्लीप की काउंटिंग करनी स्टार्ट कर देती है। बिल्कुल भी मैं इसकी स्लीप ट्रैकिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन नॉर्मली 2000 की रेंज में आपको कोई भी ऐसी स्मार्ट वॉच मिलेगी नहीं जिसमें आपको अच्छी स्लीप ट्रैकिंग देखने के लिए मिल जाए। अगर आप कोई स्मार्ट वॉच सर्च कर रहे हैं जिसमें आपको ट्रैकिंग के फीचर बहुत ही अच्छे से मिले, सबरी ट्रैकिंग आपकी अच्छे से हो, तो वहाँ पर आप Amazfit की स्मार्ट वॉचेस के साथ जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। इसमें जो आपको मेनू स्टाइल है वो यहाँ पर लेफ्ट में आके यहाँ पर जाके मिलता है, डायरेक्ट किसी भी बटन से आप मेनू को टॉगल नहीं कर सकते हो। तो मेनू में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन, एक्टिविटी, फ़ोन कॉल, हार्ट रेट, स्ट्रेस, स्लीप, ब्लड वगैरह, एक्सरसाइज। तो इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स, जैसे आप इसको एज अ कैमरा शटर यूज़ कर सकते हैं, आपको इसमें म्यूज़िक प्लेयर देखने के लिए मिल जाएगा, टाइमर या वॉइस असिस्टेंट देखने के लिए मिल जाएगा, अलार्म आप यहाँ से ही सेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है, स्टॉप वॉच, साइकिल ट्रैकिंग, फीमेल की हेल्थ को भी ये रेगुलर ट्रैक कर सकता है, फ्लैश लाइट हुई, फाइंड फोन हुआ, गेम्स हुआ, कैलकुलेटर हुआ। तो इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप उनको यहाँ पर विजिट में जाके ही राइट स्वाइप करके ही सभी को टॉगल
कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कॉलिंग फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। आप देख सकते हैं मैं वॉच पे नंबर शो नहीं होता, अगर हमारा नंबर सेव है तो आप ये साउंड सुन सकते हैं। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है क्लियर। ऐसी तो नहीं आ रही जैसे स्पीकर से बात कर रहा हूँ? नहीं, अच्छा सही आ रही है आवाज? बिल्कुल भी नहीं, सही आ रही है, बढ़िया एकदम। तो आप इसकी वॉइस भी सुन सकते हैं, एक बार मैं माइक लेके आता हूँ पास, अब आप सुन सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो आप आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही है। तो कॉलिंग फंक्शन भी अच्छे से वर्क करता है, इसमें आपको सिंगल चिप कॉलिंग का यूज़ किया गया है तो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। मुझे कोई भी डिसकनेक्टिंग का ऐसा कोई इशू फेस नहीं हुआ है, बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है। हाँ मैं मान सकता हूँ कि जो इसका स्पीकर है वो एकदम अच्छे वाला लाउड नहीं है, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और माइक भी ठीक ठाक अच्छे से वर्क करता है। अगर हम इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो इसमें लगभग 2 घंटे का चार्जिंग टाइम लगता है, और अगर जो इससे आप रेगुलर कॉलिंग यूज़ करते हैं और अगर इसमें आप हर्ट रेट मॉनिटर भी रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको लगभग 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, नहीं तो आपको 4 से 5 दिन का भी बैटरी बैकअप मिल सकता है अगर जो आप ज़्यादा कॉलिंग फीचर को यूज़ नहीं करोगे तो। इसमें एक और अच्छी बात है, जो आपकी नोटिफिकेशन होती है उनको ये यहाँ पर पूरी शो करता है। किसी किसी वॉच में क्या है कम शो करता है, लेकिन यहाँ पर आपको जितनी बड़ी आपकी नोटिफिकेशन होगी आपको पूरी की पूरी यहाँ पर नोटिफिकेशन शो होगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नोटिफिकेशन जो इसमें नोटिफिकेशन आएंगी वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर विजिबल होती हैं। तो इस स्मार्ट वॉच के सारे फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से क्या वर्क करता है। अगर जो आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया और आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर जो हम बात करते हैं कि ये स्मार्ट वॉच आपको बाय करनी चाहिए या फिर नहीं, अगर ये स्मार्ट वॉच आपको 2000 की मिल रही है तो आप इसको बेझिझक बाय कर सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती है वो सब कुछ मैंने बता दिया, उनको नज़र में रखते हुए भी मुझे इस स्मार्ट वॉच में 2000 के हिसाब से कोई प्रॉब्लम ऐसी एक्स्ट्रा फेस नहीं हुई है। 2000 के हिसाब से आपको ये एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है अभी के टाइम पे, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी एक्स्ट्रा जितना मैंने बताया, सिर्फ आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।